एसकेएमसीएच के बड़े दावे मगर संसाधनों का अभाव। बेहतर इलाज की सोच लेकर एसकेएमसीएच में कई जिलों से मरीज आते हैं मगर यहाँ की लचर व्यवस्था देख उन्हें निराशा होती है। अब जबकि ठंड चरम पर है मरीजों को ओढ़ने के लिए कंबल का अभाव दिखता है। स्ट्रेचर व व्हीलचेयर की समस्या भी बरकरार है। समय पर इंजेक्शन भी नहीं दिया। एसकेएमसीएच में ठंड के दिनों में भी आने वाले मरीजों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में नियमित समय से परिचारिकाओं द्वारा सुई तक भी मरीजों को नहीं लगाया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए कंबल तक भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसकी शिकायत सोमवार को अस्पताल अधीक्षक एवं उपाधीक्षक डॉक्टर बीएस झा से कई मरीज के परिजनों ने किया। इस पर गंभीरता से इसे लेते हुए तत्काल मेट्रोन को इमरजेंसी में भेजा गया और इसके बाद मरीजों की शिकायत को दूर करने का निर्देश दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई मरीजों को न तो बेड सीट मिला और न कंबल, और साफ सफाई तो राम भरोसे ही है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कई मरीजों के परिजन उसे भी इस संबंध में बातचीत हुई। यही नहीं, सुई लगाने के लिए भी सुई इंजेक्शन डिजॉल्व एक बार कर लिए जा कई कई करके रखे जाते हैं, जिसे गुणवत्ता पर भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। कुछ भी होगा तो मेरा सपोर्ट करेगा, इसलिए हमेशा मरीज के पास समय देना चाहिए। सुनबे नहीं करती है तो हम लोग क्या। मानवता भी एक चीज है, अब सबसे ऊपर मानवता। आप ये सोचिए, क्या है नाम आपका? दामोदर। क्या हुआ है समस्या आपका? समस्या ये है कि जो कोई सुई लेकर रखता है, सुई तुई नहीं देता है, कोई देखने नहीं आता है, आने कोई बेड सीट मिला है। बोलिए क्या समस्या है आपके साथ? समस्या यही है कि एक हमारे दामोदर दास जी हमारे लेंटर हैं, पताही में रहते हैं, घर का समस्तीपुर हुआ, कल शाम को भी एक्सीडेंट हुआ, इसलिए पैर का बुरी तरह नुकसान हुआ। अच्छा। फिर मैं लेके सदर गया, सदर से रेफर हुआ तो एसकेएमसीएच आए। यहाँ आने के बाद इनका प्रथम उपचार कराया गया, ठीक है। प्रथम उपचार में भी काफी परेशानी आई, न ट्रॉली में न कोई कुछ नहीं मिल रहा था, न व्हील चेयर था। फिर 12 बजे इनका फर्स्ट एड करा के इनको शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद मैं यहाँ के स्टाफ सारे से मिला, चादर के लिए, कंबल के लिए, लेकिन इन्हें कोई चीज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई। आज सुबह सुबह जब एएनएम लोग रूट में घूम रहे थे तो सुई रख के यहाँ चले गया। जब मैं 12 बजे आया, इन लोगों को बोला, फिर भी कोई कुछ नहीं सुन रहे थे। फिर मैं जाके डिप्टी साहब से मिला, उनके आदेश के अनुसार इन्हें 2 बजे सुई मिला, सुबह का सुई 2 बजे मिला। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पताही जनात घर हुआ, अधिवक्ता हुआ।